इंडिया ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारतीय ओपनर शुभमन गिल, कप्तान रोहित शर्मा और पूरी टीम ने एक से बढ़कर एक 6 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। गिल तो लगता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पीछे ही पड़ गए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि होलकर मैदान में खेले गए इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के इस मैच में कौन से 6 रिकॉर्ड टूटे। पहला रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़ा इमामुल हक का रिकॉर्ड। भारत के 23 साल के ओपनर शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में शुरुआती 21 पारियों के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। शुभमन गिल ने 21 वनडे खेले और 21 पारियों में 73.76 की औसत से 1254 रन बना लिए हैं। गिल से पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के इमामुल हक के नाम था। इमाम ने अपने करियर की पहली 21 पारियों में 60.56 की औसत से 1090 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, 22, 23 और 24 पारियों के बाद भी गिल का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बनना तय हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 पारियों बाद सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड 1194 रन जोनाथन ट्रॉट इंग्लैंड का है। गिल इससे ज्यादा रन अभी ही बना चुके हैं। 25 पारियों वाला रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम है। बाबर ने अपनी पहली 25 पारियों में 1306 रन बनाए थे, यानी गिल अपनी 3 पारियों में 53 रन बना लेते हैं तो बाबर का भी रिकॉर्ड टूटना पक्का हो जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़ा बाबर का रिकॉर्ड। गिल ने शानदार शतकी पारी की मदद से बाबर आजम के 7 साल पुराने रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। यह रिकॉर्ड है 3 वनडे मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का। बाबर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में 3 वनडे मैचों की सीरीज में 360 रन बनाए थे। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में 360 रन बनाकर बाबर के 7 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तीसरा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। टीम इंडिया इस मैच में अगर 8 रन और बनाती तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना लेती। भारत ने 2009 में क्राइस्टचर्च वनडे में कीवी टीम के खिलाफ 4 विकेट खोकर 392 रनों का स्कोर बनाया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर करने का रिकॉर्ड तो इस मैच में बन ही गया। चौथा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना दिया। इन दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी में 212 रन जोड़े। पिछला रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के नाम था। इन दोनों ने 2009 में हैमिल्टन में 201 रनों की पार्टनरशिप की थी। पांचवा रिकॉर्ड भारत के एक वनडे में सबसे ज्यादा छक्के। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत के सभी बल्लेबाजों ने मिलकर 19 छक्के जमाए। ये किसी वनडे मैच में सबसे ज्यादा सिक्स के पिछले भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी है। भारतीय टीम ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में भी 19 छक्के जमाए थे, तब 16 छक्के अकेले रोहित शर्मा ने जड़े थे। छठा रिकॉर्ड रोहित ने की पॉन्टिंग की बराबरी। रोहित शर्मा ने वनडे करियर की 30वीं सेंचुरी जमाई है। इसके साथ ही उन्होंने रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर ली है। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ही मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले 5 बल्लेबाज। सचिन तेंदुलकर 463 मैचों में 49 शतक, विराट कोहली 271 मैच में 46 शतक, रोहित शर्मा 241 मैच में 30 शतक, रिकी पॉन्टिंग 375 मैच में 30 शतक, सनत जयसूर्या 445 मैच में 28 शतक।